अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने सुबह सुबह एक न्यूज़ सुनी है कि जो न्यूज़ीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, और पीसीबी ने क्या पोस्ट किया जी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एंड सपोर्टर्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर एनी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट यही थी कि न्यूज़ीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आए, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ को चेक किया, उनको पता चल गया कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, तो यहाँ पे मैचेस हो जाने चाहिए। ये बालों के बगैर वाले भाई, चलो मेरे बाल कम हैं लेकिन ऐसा ग्राउंड तो नहीं है मेरे सर पे अभी। तो इन भाई ने कहा है जी हमारी टीम यहाँ पे आएगी, ज़रूर आएगी, 18 साल बाद आ रही है। उसके बारे में जी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने भी अपनी हाइलाइट्स पेश की हैं जी, तो मज़ा आएगा वैसे उस सीरीज़ का, स्पेशली T20s का। काफ़ी अर्सा हो गया कोई तगड़ी टीम पाकिस्तान में अगर T20 नहीं खेली, छोटी मोटी आई हैं लेकिन वो मज़ा तो नहीं है ना यार। तो इस गंजे का बहुत बहुत शुक्रिया, ये पाकिस्तान आया, क्या नाम है इसका, डेविड वाइट। ये मैचेस होंगे जी, 5 T20 हैं, 3 ODIs हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ज़बरदस्त, मैं अगर तो ये सारे मैचेस देखूंगा अगर टीम यहाँ पे आती है तो, मैं कोई मिस नहीं कर रहा। बस कोशिश यही होगी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, प्लेयर अपने पूरे लेके आए। पाकिस्तानी टीम भी अच्छी है लेकिन कोई गोरा पाकिस्तानी टीम में नहीं है एक्चुअली, उसके बाद कोई बाहर की टीम भी नहीं आ रही, तो ये गोरे चिट्टे अंग्रेज़ यहाँ पे देख के अच्छा लगेगा हम सबको। और काश पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छी गेम भी करते हैं, फिर तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि वहाँ जाकर हम लोग हर दफ़ा हारते हैं, उनसे बिस्ते होते हैं, तो उनको भी हम अपने घर में बुलाकर थप्पड़ मारने वाला सीन ज़रूर करना चाहेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम सारे मैचेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो देखें, लाइव कवरेज दें, ताकि हम लोग थोड़े बहुत लिस्ट में ऊपर आ जाएं।